सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का सहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है, इसको किस तरह से सल्व किया जाता है। देखिए, जो सबसे आसान तरीका है ना, वही मैं आप लोगों को बताऊँगा। और मेरे ख्याल से गुणनखंड विधि जो है ना, सबसे आसान तरीका है। इसमें सूत्र याद करने की या कोई खास नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप लोगों को गुणनखंड बनाना आना चाहिए और आप द्विघात समीकरण सीख जाएंगे। यह समझिए कि एक पर एक फ्री है, एक तो आपको गुणनखंड भी बनाना आ जाएगा और दूसरा द्विघात समीकरण भी आप सीख जाएंगे। तो देखिए, गुणनखंड पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया हूँ। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना। फिलहाल इस वीडियो को देखिए और मज़े से समझिए कि द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम इस संख्या का गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड कर देंगे ना तो द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम यह मानकर चलते हैं कि मान लीजिए आपको गुणनखंड भी नहीं आता है तो फिर आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, गुणनखंड करने का यह तरीका होता है कि जो शुरू वाला अंक होता है उससे और जो लास्ट वाला अंक होता है उससे गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर आप में साथ में समझते चलिएगा। तो हम देखिए, शुरू वाला अंक है 2 और लास्ट वाला अंक है 15। यह है 15, यह 0 को मत समझिए लास्ट वाला अंक, इसमें क्या समझिए, ठीक, इस लाइन का केवल बराबर का इधर वाला का समझिए। तो यह है 15, तो हम 2 में और गुणे 15 करेंगे तो आएगा 30। अब देखिए, गुणनखंड का दूसरा नियम यह कहता है कि इस संख्या को जो आया है ना गुणा करने पर, इसको 2 भाग में इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर या घटाने पर किसी एक पर +7 आ जाए और गुणा करने पर 30 आ जाए। इस तरह से हमें जोड़ना है, इस तरह से हमें तोड़ना है इसको, ठीक। तो इसको तोड़ने का एक नियम है कि इसका लघुतम ले लिया जाता है, तो हम इसका लघुतम ले लेते हैं 30 का लघुतम। तो देखिए, 30 का लघुतम लेते हैं यानी कि LCM, तो 2 से या 15 बार में जाएगा, फिर 2 से नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से ना जाएगा, हाँ 3 से जाएगा 5 बार में। अब देखिए, हमें क्या करना है, 2 हैं, 3 हैं और 5 हैं, यही अंक हैं वो जिसको जोड़ने या घटाने पर +7 आएगा और गुणा करने पर 30 आएगा। तो इसी को हमें इस तरह से सजा कर लिखना है ना कि हमारा अंक आ जाए और हमारा काम हो जाए। तो देखिए, 5 × 10 और 3, यानी कि हम 10 और 3 लेते हैं। तो देखिए, तो जरा जा रहा है कि नहीं, देखिए 10 मले हम 3 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा हमारा, और 10 और 3 गुणा भी कर देंगे तो 30 आ जाएगा। यानी कि यही वो अंक है जो हमें चाहिए था, वो मिल गया है। तो अब गुणनखंड हो जाएगा बहुत ही आराम से। और एक बात बता दूं कि देखिए, जो समीकरण बनाया जाता है ना जिसमें बीच में बराबर रहता है इस तरह का, उसमें बनाने का नियम है कि इस तरह का फैशन वाला उसमें चिन्ह दिया जाता है, और यह चिन्ह देना जरूरी भी है क्योंकि इसका नियम है। चलिए, तो देखिए, जो पहला अंक है ना उसको जेम कहते हैं उतारिए 2x², उसके बाद +7x है ना, तो इसको नहीं लिखना है जी, अब हमें वो अंक लिखना है, ये वाला। तो हम लिखेंगे यहाँ पर +10x, उसके बाद -3x, उसके बाद देखिए यह है ना, तो इसी को लिख दीजिए -15 = 0। देखिए, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल है। यदि इस वाले लाइन को सल्व करेंगे ना आप तो यह वाला लाइन निकल जाएगा। देखिए कैसे, 2x² है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी है 2x², यहाँ पर देखिए 10x - 3x है ना, तो देखिए 10x - 3x घटाएंगे तो 7x नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, आप 15 का 15 उतार दिए, बाकी ज्यों का त्यों है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है, दो का जोड़ा लगाना है इस तरह से हमें, और इन दोनों के बीच में जो कॉमन आएगा ना उसको ले लेना है। तो देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए कॉमन दिखाई दे रहा है 2 और 1। तो देखिए, यहाँ से हम 2x निकाल देते हैं तो यहाँ पर बच रहा है 1, और यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह, और देखिए 2 जो हैं और 5 हैं,
तो दो के पहाड़ा नहीं दस है ना, गलती से बोला गया पाँच है। तो दो के पहाड़ा में दस कितना बार में है पढ़ के बताइए। तो पाँच बार में है, कितना बार में है, तो पाँच बार में है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाँच। एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स तो यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर है -3x और यहाँ पर है -15, तो यहाँ पर हम -3 कॉमन ले लेते हैं। देखिए तीन दोनों में है, देखिए कॉमन वही अंक लिया जाता है जो दोनों में रहता है। देखिए इसमें भी तीन है, 15 जो है ना तीन के पहाड़ा में है, तो इसलिए इसमें कॉमन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स और तीन के पहाड़ा में कई बार में 15 है पढ़िए। तो तीन तीन छः, तीन तीन के नौ, तीन चौके 12, तीन पाँच 15, यानी कि तीन के पहाड़ा में पाँच बार में 15 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाँच, उसके बाद जो जेब कहते हैं उसको छाप दीजिए। अब देखिए हमने पहला लाइन बनाया और दूसरा लाइन बनाया, और दूसरा लाइन में मालूम भी चल जाता है कि हमारा गुणनखंड सही भी है कि गलत है। देखिए कैसे मालूम चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यह वाला और यह वाला, और एक बात देखिए यहाँ पर हल्का सा मैं गलत बना दिया हूँ। देखिए यहाँ पर जब मैं -3 कॉमन लिया ना, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। देखिए कैसे समझा रहा हूँ, ध्यान से भटक गया था। देखिए मैं समझा रहा हूँ कि यह कैसे हुआ। देखिए तीन कॉमन ले लिया है हमने यहाँ पर -3, तो ठीक है। उसके बाद बच्चा है यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए कोष्ठ के यदि बाहर माइनस का चिन्ह रहता है ना, तो अंदर वाला चिन्ह बदल दिया जाता है, तो यह हो जाएगा इसीलिए प्लस हो जाएगा और यह पाँच हो जाएगा। क्योंकि और इसको भी सॉल्व करेंगे ना आप, तो यह आ जाएगा देखिए 3x, तीन में और एक्स में गुणा करेंगे तो आ जा रहा है ना 3x, और यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह जुट जाएगा। उसके बाद तीन में पाँच ले गुणा करेंगे तो 15 आ जा रहा है, और प्लस माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दिया जाएगा, आ जा रहा है ना। चलिए अब ठीक है। अब देखिए यहीं पर मालूम चल जाएगा कि हमारा गुणनखंड सही बना है या गलत। कैसे मालूम चलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ वाला और यहाँ वाला ये कहीं आएगा ना, तो समझिए कि सही है। यदि यहाँ वाला और यहाँ वाला अलग अलग आ गया तो समझिए कि गलत बना है। कैसे? हमारा पहले आ गया था ना यहाँ पर माइनस, चूँकि मैंने ध्यान नहीं दिया था तो गलती से लिखा गया था। हो जाता है किसी से भी मिस्टेक, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ वाला और यहाँ वाला एक ही है, इसका मतलब गुणनखंड सही है। अब देखिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, लगले बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए यह वाला और यह वाला दोनों को एक साथ लिखा जाता है, यानी कि 2x जौन जौन अलग बा ना उस सबको एक साथ लिखा जाता है। तो अलग कौन है? 2x हैं और यह 3 है, तो इनको एक साथ कर देते हैं, और इन दोनों के बदला में एगो को लिखा जाता है। ठीक, तो इस तरह से लिख देते हैं। देखिए जैसे कि एक्स प्लस 5, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद बराबर, उसके बाद 0। अब देखिए मात्र 1 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल 0 लेवल से समझा रहा हूँ, और समझने के बाद आप क्या करेंगे, मात्र 2 मिनट में इस तरह के प्रश्नों को बना देंगे। चलिए अब क्या करना है वो कीजिए। देखिए अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। देखिए तो एक बार हम 2x-3 को 0 के बराबर कर देते हैं, और एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए, एक्स प्लस 5 = 0। अब हमने इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दिए हैं, अब एक्स का मान निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर है ना 2x, तो इसको इधर ही रहने दीजिए और इसको उधर भगा दीजिए 3 को। तो देखिए यह बराबर के उस साइड में जाएगा तो इसका मान बदल जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ठीक, बराबर के उस पार कोई भी अंक जाता है ना या इस पार जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, यह ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ एक्स के साथ 2 है, लेकिन 2 जो है ना अंक है ना, इसको अंक और भेज दीजिए, क्या काम है कि यह एक्स के साथ रहेगा। तो एक्स को अब छूटा छोड़ दीजिए और इसको भी उधर भगा दीजिए, तो यह है 3 और यह जो है ना गुणा में है ना, तो देखिए इधर आएगा ना तो भागा में हो जाएगा। यह भी याद रखिएगा कि बराबर के अंदर या बाहर, यानी कि इस पार या उस पार कोई भी अंक जाता है ना, तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक, और गुणा वाला भागा में हो जाएगा और भागा वाला गुणा में हो जाएगा। तो एक्स बराबर एक आ गया क्या, 3/2, 1 आंसर यह हुआ। और यहाँ पर देखिए एगो एक्स बराबर, यहाँ पर भी एक्स को इधर रखिए और 5 को उधर भगा दीजिए, तो उधर जाएगा 5 तो क्या हो जाएगा, आप ही बताइए, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 1 आंसर यह हो जाएगा। ठीक,
और एक बात देखिए, द्विघात समीकरण का ना हमेशा दो आंसर आता है। जानते हैं क्यों दो आंसर आता है? क्योंकि इसमें एक्स की पावर दो रहता है, या कपार पर जो पावर है ना दो है ना, तो इसीलिए दो गो आंसर आता है। एगो आंसर हुआ एक्स बराबर 3/2 और एगो आंसर हुआ एक्स बराबर -5। तो इस तरह से द्विघात समीकरण बनाया जाता है।